हाय फ्रेंड्स, ए बी हेल्थ टिप्स में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। दोस्तों, इसका क्या केव्स होते हैं, कैसे बनाना है इसको और किस टाइम ये यूज करना है, इसके बारे में दोस्तों बात करूँगा विस्तार से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों दोस्तों इसको कैसे तैयार किया जाता है, आपको लेना है पंसारी की दुकान से 12 ग्राम कज और 12 ग्राम तेज़पत्ता और 12 ग्राम लेना है नांग केसर और 12 ग्राम लेना है छोटी इलायची। इन सबको दोस्तों अच्छी तरीके से खरल कर लेना है और छान लेना है। छानने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरीके से स्टोर करके रख लेना है दोस्तों, एक डिब्बी में भर के। दोस्तों इसका यूज होता है, कैसे यूज कर सकते हैं इसको, मिश्री मिले दूध में एक गिलास, सुबह नाश्ता के बाद 3 ग्राम ले सकते हैं अपने डॉक्टर के अनुसार। और दोस्तों इसको कौन कौन ले सकता है, जिन लोगों को मर्दाना ताकत, स्वपन दौर, वीर में पतलापन, सेक्स की इच्छा ना होना, पेनिस में ढीलापन, पेनिस में तनाव, नसों की कमजोरी, पार्टनर के पास जाते ही डिस्चार्ज होता हो जाते हैं, नाइट डिस्चार्ज, हफ्ते में 3-4 बार डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शादीशुदा ज़िंदगी में जो लोग अपने लाइफ पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इसमें फ्रेज होता है खटाई और चावल, ये नहीं खाना है दोस्तों, तली हुई चीज़ें नहीं खाना है ज़्यादा। और इस दवाई का प्रयोग करते हैं तो आप लोग संभव एक हफ्ते बाद कर सकते हैं, एक हफ्ते तक नहीं करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।